दोस्तों स्वागत है आपका हमारे शिल्पा आपके फेवरेट सीरियल पांडा स्टोर में। चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। शिवा के पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ गई है और अब धरा उसे बचाने के लिए, खुद एक उसे बचाने के लिए। और जैसे कि शिवा ने ठान लिया होता है कि वो अपना इल्ज़ाम अब इसकी वजह से किसी भी रूपी कोई मुसीबत नहीं आने देगा और वो खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। और धरा ऐसा नहीं होने देना चाहती तो क्रिस के साथ मिलकर उसे किडनैप कर लेती है। लेकिन यहाँ पर अब दिखाया जाता है कि वो जैसे उसको बचा कर तो ले आती है, लेकिन इसकी खबर प्रफुल्ला को लग जाती है कि वो पुलिस से छुपते हुए घूम रहे हैं। और वो सीधा पुलिस को कॉल लगा देती हैं और बता देती है ठिकाना कि आगे शिवा कहाँ छुपा हुआ है। और पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और पुलिस उनको चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन प्रफुल्ला की पूरी प्लानिंग तब फ्लॉप हो जाती है जब यहाँ पर देव और गौतम लेकर आ जाएंगे सबूत शिवा के, बस शिवा को बचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब गौतम ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और वो सूरज को पकड़ कर ले आता है। और अब सूरज ही सारी सच्चाई बताएगा कि उस शिवा को सिर्फ फंसाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शिवा को सब लोग पुलिस गिरफ्तार करने करके लेकर जा ही रही होती हैं और सुमन रावी सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और धरा सीधा कॉल लगा देती हैं और कहती, जब तक गौतम को हाथ लग जाता है सूरज और देव, उस और सूरज देव और गौतम दोनों ही मिलकर शिवा को बचाने के सबूत ले आते हैं कि उसमें शिवा का कोई दोष नहीं है। और वो गाड़ी के सबूत भी ले आता है कि जिस गाड़ी से ये सब कुछ हो रहा था, ये कालाबाजारी हो रही थी, उसके नंबर भी आते हैं, वो वीडियो भी दिखाते हैं। तो शिवा की बेगुनाही के सबूत ही लास्ट मोमेंट पर गौतम लाकर शिवा को बचा लेता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकती। तो यहाँ पर फाइनली इनके दोनों भाइयों ने मिलकर शिवा को बचा लिया और पूरे परिवार के साथ कि अब धरा ने शिवा को जेल जाने से बचा लिया। और यहाँ पर खबर अब प्रफुल्ला पर शक हो जाता है, रावी को और सुमन को और धरा को, कि इसी ने कुछ किया होगा कांड और इसी ने कॉल करके बताया होगा। और यहाँ पर अब देखने को मिलेगा कि अब सब शिवा के तो बच जाएगा, लेकिन अब पता चलेगा जल्द ही मामी का भी राज, कि मामी ने ही फोन करके पुलिस को बुलाया है। और उसके बाद तो सुमन उसका बहुत ही बुरा हाल करने वाली है।